पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था बजट एज ऑन द फर्स्ट फेब 2023 और उसके बाद में प्रेसिडेंट ने उस पर जो साइन किया वो 31 मार्च 2023 को किया और जिस दिन साइन किया वो फाइनेंस एक्ट बन गया उसके बाद सर्कुलर नोटिफिकेशन क्या होता है देखो नोटिफिकेशन क्या होता है किसी भी अमेंडमेंट का इफेक्ट देने के लिए अमेंडमेंट लाने के लिए नोटिफिकेशन लाया जाता है लेकिन सर्कुलर क्या होता है कोई भी चीज को क्लियरिफाई करने के लिए कुछ क्लियरिटी की कमी थी उस क्लियरिटी को देने के लिए वहां पर सर्क्यूर लाया जाता है एक चीज समझना नोटिफिकेशन इज बाइंडिंग फॉर ऑल मीन एस के लिए भी बाइंडिंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी

है. Assessment year, previous year क्या रहता है वो अपन वगैरह में ये सब चीजें पढ़ चुके हैं प्रीवियस मतलब है, में आप इनकम को कमाते हो और असेसमेंट ईयर का मतलब वो हो होता है जिस year में आप टैक्स भरते हो आपके एग्जाम के लिए previous year 23, 24 है असमेंट ईय ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एक चीज ध्यान रखना असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ का रहेगा प्रीवियस ईयर है वो भी नॉर्मली ट्वेल्व मंथ का रहता है लेकिन प्रीवियस ईयर ट्वेल्व मंथ से कम का हो सकता है अगर आपने कोई नया बिजनेस चालू किया है या नया सोर्स ऑफ इनकम आया है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा वहां से जहां से नया बिजनेस चालू किया और प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा थर्टी मार्च ऑफ दैट ईयर अब एक चीज समझना पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है इंडिविजुअल एच कंपनी फर्म अथॉरिटी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है ये पर्सन सेवन लोग है वो पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं अस कौन होता है कोई भी पर्सन अगर लाइबल टू पे टैक्स है अंडर इनकम टैक्स एक्ट या लाइबल टू पे एनी अदर लाइक पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह पे करने के लिए लाइबल है तो वो असस्सी हो जाएगा एक चीज ध्यान रखना

172 क्या बोलती है कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट पर्सन है नॉन रेजिडेंट है और वो इंडियन पोर्ट पे अपनी शिप लेके आता है इंडियन पोर्ट पे जब वो शिप आती है ठीक है तो शिप को इंडियन पोर्ट से जब वो इंडियन पोर्ट छोड़ के जाता है ना तो इंडियन पोर्ट से जैसे ही वो छोड़ के जाएगा उससे पहले पहले उसको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में ही आपको पता है वहां इनकम कैसे कैलकुलेट करते थे तो इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है इंडियन पोर्ट से जितना भी गुड्स है पैसेंजर है है वो लोड हुआ है। उसका जो टोटल अमाउंट होता है उसका 7.5 परसेंट आप इनकम ले लीजिए उस पर फोर्टी परसेंट की रेट से टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए और अगर सरचार्ज लगता है तो ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन कर दीजिए इतना आपको टैक्स इंडिया में पे करके जाना पड़ेगा दैट इज द सेक्शन वन तो ये 172 एक मैंडेटरी सेक्शन है कि अगर नॉन रेजिडेंट कोई है वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में शिप लेके आता है और इंडियन पोर्ट से जैसे ही वो शिप जाने वाली होती है प्रीवियस ईयर में उसी टाइम उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता है टैक्स पे करना पड़ता है एक सेक्शन होती है 174 174 क्या बोलती है कि अगर कोई पर्सन का इंटेंशन ऐसा है जो प्रीवियस ईयर में इंडिया को छोड़ के जाने वाला है और उसका वापस आने का कोई इंटेंशन नहीं है लाइक तो असेसिंग के पास ये पावर है, कि असेसिंग उसको है रुक करके। और इसी साल में अपना जो टैक्स है वो पे करके जा अभी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एक सेक्शन होती है वन ए वो ये बोलती है कि अगर आपने कोई एओपी है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है वो आपने फॉर्म किया था किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए या ओकेजन के लिए और वो इवेंट या आपका कंप्लीट हो गया तो उस पर्टिकुलर केस में में प्रीवियस ईयर ही एओ आपको के के आप इनकम कमाया डांडिया के बाद में आपने को है वो वहां पर बंद कर दिया तो एओपी खत्म कर दिया तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा प्रीवियस ईयर में ही बोलेगा अपना करना है। एक सेक्शन होती है, 175. 175 क्या बोलती है कि अगर एओ को ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सन इंडिया छोड़ के सॉरी कोई भी पर्सन जो है वो अपनी असेट को ट्रांसफर करने वाला है प्रीवियस ईयर में और प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर करने वाला है जिससे कि वो टैक्स ना भरे फॉर एन एग्जांपल लेता हूं कि कोई पर्सन है जब उसको लग रहा है कि वो इंस्टॉलमेंट होने वाला है अगर वो लग रहा है कि उसको इंस्टॉलमेंट होने वाला है तो वो क्या करेगा इंस्टॉलमेंट होने से पहले पहले अपनी कुछ जो असेट है वो अपनी किसी तो रिलेटिव या नॉन रिलेटिव को वगैरह ट्रांसफर कर देगा और उसके बाद वो इंस्टॉलमेंट हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर केस में यहां उसको बोलेगा कि प्रीवियस ईयर में आप अपना रिटर्न फाइल कर दो एक सेक्शन होती है लेकिन प्रीवियस में आपका डिसकंटिन्यू हो गया तो पर्टिकुलर केस में एओ के पास पावर है आप एओ तो तो आपको बोल सकता है कि उसका रिटर्न आपको प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही आपको रिटर्न फाइल करना है प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स पे करना है तो गाइज यहां पर मैंने आपको पांच केसेस बताए जिसमें क्या होता है आपकी जो इनकम प्रीवियस ईयर की है प्रीवियस ईयर में ही उस पर टैक्स लग जाता है प्रीवियस ईयर में ही आपको उस पर रिटर्न फाइल करना पड़ता है एक चीज को आप नोटिस करना जो सेक्शन वन जो फर्स्ट वाला सेक्शन है ना वो सेक्शन तो मैंडेटरी है लेकिन बाकी वाली जो सेक्शन है ये फोर सेक्शन इसमें अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है तो ही असेसिंग ऑफिसर ऐसा बोलेगा तो ही आपको ऐसा करना रहेगा बट वो वो पहली वाली नॉन रेजिडेंट का जो शिपिंग बिजनेस है वो है सेक्शन सेक्शन आपकी मैंडेटरी उसके बाद हम चालू करते हैं टैक्स रेट एक चीज समझना टैक्स रेट दो तरह की होती है वन इज द जनरल टैक्स रेट एंड वन इज द स्पेशल टैक्स रेट जनरल टैक्स रेट किसको बोलते हैं जैसे जो स्लैब रेट वाली टैक्स रेट है वो जनरल टैक्स रेट है स्पेशल टैक्स रेट किसको बोलते हैं जैसे आपने सुना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू ए वाला शेयर मार्केट वाला उस पर टेन परसेंट से टैक्स लगता है इन एक्सेस ऑफ द वन लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए वाले फिफ्टीन परसेंट टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अदर वाला उस पे 20 है. है उस पर ट्वेंटी परसेंट टैक्स लगता है विनिंग का इनकम है उस पर आपका थर्टी परसेंट टैक्स लगता है तो ये जो टैक्स रेट है ना वो स्पेशल टैक्स रेट है और ये जो स्लैब रेट है ये जनरल टैक्स रेट है एक बात बताऊ ये कहां दे रखी है तो मैं आपको बताऊं स्पेशल टैक्स रेट होती है ना जैसे एल टी सी जी टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट एस टी सीजी फिफ्टीन परसेंट विनिंग का थर्टी परसेंट यह स्पेशल टैक्स रेट है स्पेशल टैक्स रेट आपके इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन में दे रखी है बट ये जनरल टैक्स रेट है ना ये जनरल टैक्स रेट आपके फिनेस एक्ट में दे रखी है तो फिनेंस एक्ट 2023 में आपकी ये जनरल टैक्स रेट दे रखी है तो पहले अपन डिस्कस करेंगे जनरल टैक्स रेट उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पेशल टैक्स रेट तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल टैक्स रेट जनरल टैक्स रेट क्या है आपके एग्जाम के लिए असेसमेंट या ट्वेंटी फोर के लिए सबसे पहले मैं बात करूं इंडिविजुअल एच यूएफ आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन इंडिविजुअल एच यूएफ बी आर्टिफिशियल जोनरिकल पर्सन भले वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है उनके लिए स्लैब रेट का बेनिफिट मिलेगा और टू लैख फिफ्टी थाउजेंड इज बेसिक एक्जेमिशन टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा टू फिफ्टी से लेके फाइव लैख फाइव परसेंट फाइव लैख टू टेन लैख ट्वेंटी परसेंट मोर देन टेन लैख थर्टी परसेंट अब एक चीज समझना ये भले रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है इंडिविजुअल एच आर्टिफिशियल जोरिटिकल पर्सन ये वाली स्लैबरेट लगेगी लेकिन एक चीज ध्यान रखना अगर कोई सीनियर सिटीजन है सीनियर सिटीजन का मतलब होता है कि कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका एज सिक्सटी ईयरस और मोर हो गया है इन योर प्रीवियस ईयर बट लेस देन मैंने क्या बोला सीनियर सिटीजन का मतलब होता है कोई भी ऐसा रेजिडेंट इंडिविजुअल है पहली चीज तो वो इंडिविजुअल होना चाहिए और दूसरी चीज वो रेजिडेंट होना चाहिए और तीसरी चीज उसकी एज सिक्सटी इयर्स या उससे ज्यादा हो गई है इन द प्रीवियस ईयर एंड आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर होता है प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में उसकी एज सिक्सटी ईयर या उससे ज्यादा हो गई हो एक बात समझना यहां पे वर्ड यूज हुआ है रेजिडेंट तो एक चीज ध्यान रखना आप लोग अगर कोई भी पर्सन है वो नॉन रेजिडेंट है और उसका एज सिटीजन तो नहीं है इन द प्रीवियस तो उसके लिए बेसिक एक्जामिशन कितना रहेगा थ्री लैख इज बेसिक एक्जामिशन थ्री लैख टू फाइव लैख फाइव परसेंट फाइव लैख टू टेन लैख ट्वेंटी परसेंट मोर देन टेन लैख थर्टी परसेंट लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि कोई भी ऐसा रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका एज 60 इयर्स और मोर हो गया है इन द प्रीवियस 23 24 तो वो सीनियर सिटीजन है लेकिन एक चीज ध्यान रखना अगर कोई पर्सन अपना सिक्सटिय बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है और वो सिक्सटियथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है फर्स्ट अप्रैल टू को मीन अपने प्रीवियस ईयर के बाद में 1 अप्रैल 2024 को अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो भी ये मान लिया जाएगा कि दैट पर्सन हैज कंप्लीटेड हिज एज ऑफ 60 इयर्स ऑन 31 मार्च 2024 एंड इस ईयर में प्रीवियस ईयर 2324 में वो हायर बेसिक एग्जम्पशन 3 लाख का बेनिफिट ले सकता है तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई इंडिविजुअल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है एज ऑन द फर्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो भी यह माना जाएगा कि ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर की इनकम के लिए वो हायर बेसिक एक्सामिशन थ्री लेख का बेनिफिट ले सकता है अब एक चीज समझना अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब होता है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल टे द एज ऑफ द एटी ईयर और मोर इन द प्रीवियस ईयर उसके लिए फाइव लैख का बेसिक एग्जामिशन है फाइव लैख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा फाइव लैख टू टेन लैख ट्वेंटी परसेंट मोर देन टेन लैख थर्टी परसेंट मीन यहां पर ट्वेंटी परसेंट एंड थर्टी परसेंट का स्लैबरेट है यहां पर फाइव परसेंट वाला स्लैबरेट नहीं है एक और चीज समझना इसमें भी सेम फंडा लगेगा कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जो अपना बर्थडे बर्थडे 80, 80 वाला जो होता है और करंट ईयर में उसको हायर बेसिक एग्जामिशन फाइव लैख का बेनिफिट है वो मिल जाएगा चलिए ये तो हो गई आपकी जनरल टैक्स रेट अब एक बात समझना यहां इंडिविजुअल के में यह आपकी टैक्स हो गई बट क्वेश्चन आता है है क्या क्या सरचार्ज सरचार्ज भी लगेगा आंसर yes. यस होता है? कि जब आप ज्यादा इनकम कमाते हो तो आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है सरचार्ज सरचार्ज डिपेंड करेगा आपकी टोटल इनकम पे कि आपकी टोटल इनकम जो है वो टोटल इनकम कितनी कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा आपकी जो टोटल इनकम है वो मान लो मोर देन फिफ्टी लैक्स है लेकिन 50 लाख से लेके और वन करोड़ तक है तो आपको सरचार्ज है वो 10% परसेंट की रेट से लगेगा लेकिन ये 10% परसेंट किस पे क्या किस पे ऐड करना है टैक्स पे ऐड करना है जो भी आपका टैक्स आएगा उस टैक्स में आप 10% परसेंट एड कर लीजिए अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है टू 1 करोड़ है इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन वन करोड़ अप टू टू करोड़ है तो आपको सरचार्ज एड करना है टोटल इनकम इज मोर देन टू करोड़ अपड है तो आपको सरचार्ज एड करना है ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन फाइव करोड़ तो आपको सरचार्ज एड करना है थर्टी सेवन परसेंट तो मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना सरचार्ज डिपेंड करेगा आपके टोटल इनकम पे कि आपकी टोटल इनकम कितनी है इफ योर टोटल इनकम इज टू फिफ्टी लाख रुपीज देर इज नो सरचार्ज इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन फिफ्टी लैस अपू वन करोड़ टेन परसेंट सरचार्ज एड करिएोटल इनकम इज मोर करोड़ तो फिफ्टीन परसेंट सरचार्ज एड करिए इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन टू करोड़ अपू फाइव करोड़ ट्वेंटी फाइव परसेंट सरचार्ज एड करिएफ योर टोटल इनकम इज मोर देन फाइव करोड़ आपको थर्टी सेवन परसेंट की रेट से सरचार्ज एड करना है सरचार्ज किस पे लगेगा मैं वापस बोल रहा हूं पहले आप टैक्स कैलकुलेट कर दीजिए और उस टैक्स पे आपको ये सरचार्ज जो है अगर एप्लीकेबल है तो आप सरचार्ज है वो उस पर एड करेंगे लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना लॉ मेकर्स बोलते हैं कि ये जो चार तरह की इनकम ऐसी होती है फोर टाइप ऑफ इनकम कौन कौन सी एक तो एल टीसीजी वन वन टू ए वाला एलटीसीजी वन वन टू ए इज बेसिकली शेयर मार्केट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक तुम्हारा होता है एस टी सीजी ट्रिपल वन ए वाला एस टी सी जी ट्रिपल वन वाला शेयर मार्केट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक तुम्हारा डिविडेंड का इनकम बिकॉज शेयर पे आपको डिविडेंड मिलता है एंड एक तुम्हारा नॉर्मल वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू वाला ये बेटा चार तरह की इनकम ऐसी है जो स्पेशल इनकम मानी जाती है ये स्पेशल इनकम जो है ना ये कितनी भी हो इन स्पेशल इनकम पे आपको मैक्सिमम सरचार्ज है वो 15% परसेंट लगेगा मींस इन इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पर मैग्सिम सरचार्ज आपका 15% परसेंट लगेगा मींस 25% परसेंट एंड 37% परसेंट सरचार्ज नहीं लगेगा इन in इनकम के टैक्स पे वापस बोल रहा हूं समझने की कोशिश करना जो भी तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वन वन टू है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल बने वाला है एंड डिविडेंट इन तीनों को आप शेयर मार्केट से याद रख सकते हो कि शेयर मार्केट वाला शेयर मार्केट वाला है तो इनपे बेटा जो टैक्स आता है ना उसपे मैक्सिमम सरचार्ज फिफ्टीन परसेंट आएगा इसका मतलब यह हुआ कि ये जो ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड थर्टी सेवन परसेंट वाला सरचार्ज है ये स्पेशल ये इनकम के टैक्स पे नहीं लगेगा स्पेशल इनकम पे आपका कितना भी इनकम हो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मेरे को डिविडेंड मिला टेन करोड़ का तो भी मेरे को मैक्सिम ना वो ओनली फिफ्टीन परसेंट रहेगा या मुझे मान लो 50 करोड़ का अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल बने वाला हो गया तो भी उस पर जो टैक्स आएगा उस पर मैक्सिमम सरचार्ज है वो 15 परसेंट ही रहेगा 25 परसेंट एंड 37 परसेंट सरचार्ज नहीं रहेगा

टोटल इनकम वन करोड़ से ज्यादा अप टू करोड़ तक है तो आप फिफ्टीन परसेंट सरचार्ज एड कर दीजिए एक चीज ध्यान रखना अब आ, अगर आपकी टोटल इनकम टू करोड़ से ज्यादा है टोटल इनकम है वो टू करोड़ से ज्यादा है टोटल इनकम नेट टैक्सेबल इनकम आफ्टर क्लेमिंग ऑल डिडक्शन एंड ऑल टोटल इनकम टोटल इनकम अगर आपकी टू करोड़ से भी ज्यादा है इट इज मोर देन टू करोड़ एंड उसमें डिविडेंड कैपिटल गेन मीन स्पेशल इनकम भी उसमें है देखो आपकी टोटल इनकम टू करोड़ से ज्यादा है और उसमें स्पेशल इनकम भी है तो एक काम करो जो भी स्पेशल इनकम पे टैक्स आएगा वो स्पेशल इनकम पे टैक्स पे सरचार्ज कितना लोगे 15 अब आपको ये देखना है कि रिमेनिंग इनकम जो है है वो कितना है। देखो टोटल इनकम वाज मोर देन टू करोड़ तो आपने क्या किया जो स्पेशल इनकम पे टैक्स आया उस टैक्स पे आपने सरचार्ज लिया अब आपको यह देखना है कि रिमेनिंग इनकम बाकी वाला इनकम कितना है अगर रिमेनिंग इनकम इज अप टू करोड़ मीन रिमेनिंग इनकम है वो लेस देन टू करोड़ है अप टू करोड़ है टू करोड़ से ज्यादा नहीं है तो रिमेनिंग इनकम पे जो भी टैक्स आएगा उस पर भी सरचार्ज आप फिफ्टीन परसेंट ले लीजिए लेकिन अगर रिमेनिंग इनकम है वो रिमेनिंग इनकम इज मोर देन टू करोड़ अपड रिमेनिंग इनकम इज मोर देन टू करोड़ अपड तो रिमेनिंग इनकम पे जो भी टैक्स आएगा उस पर सरचार्ज आप ट्वेंटी फाइव परसेंट की रेट से ले लीजिए एंड इफ रिमेनिंग इनकम इज मोर देन फाइव करोड़ तो तो आप एक काम करिए रिमेनिंग इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पर रेट से ले लीजिए तो आपको समझा क्या नहीं समझा मैं वापस बता रहा हूं देखिए आपको क्या करने का सबसे पहले किसी भी इंडिविजुअल एच ओ एफ आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में आपको देखना है कि उसका टोटल इनकम कितना है टोटल इनकम इज अप टू फिफ्टी लैख देर इज नो नीड टू एड द सरचार्ज टोटल इनकम इज मोर देनिफ्टी लैस अपू वन करोड़ यू है सरचार्ज ऑफ टेन परसेंट ऑन टैक्से क्या करना टोटल इनकम इज मोर देन टू करोड़ एंड उसमें अगर आपका स्पेशल इनकम है एल टी सी जी वन वन टू एलटीसीजन वन टू है एस टी सी जी ट्रिपल वन एंड डिविडेंट वो इनकम है तो आप एक काम करिए वो स्पेशल इनकम पे जो टैक्स आता है उस पर सरचार्ज ले लीजिए आप फिफ्टीन परसेंट क्योंकि उस पर मैक्सिमम सरचार्ज फिफ्टीन परसेंट ही लग सकता है अब आपको देखना रिमेनिंग इनकम कितना है इफ रिमेनिंग इनकम इज अप टू टू करोड़ तो उस पर जो टैक्स आता है उस पर सरचार्ज लीजिए थर्टी सेवन परसेंट यू गॉट माई पॉइंट यहां पर मैंने एक्साम्पल्स दे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से चलिए अब अपन बात करते हैं सर कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या है तो कंपनी में दो तरह की कंपनी वन इज द डोमेस्टिक द कंपनी सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी की तो डोमेस्टिकेट है वो आपकी थर्टी परसेंट है डोमेस्टिकसेंट की रेट से लगेगा लेकिन अगर डोमेस्टिकस ट्वेंटी टू का टर्न ओवर है वो अपटू फोर हंड्रेड करोड़ है मीन फोर हंड्रेड करोड़ से ज्यादा नहीं है कौन सा ईयर का टर्न ओवर प्रीवियस टू का टर्न ओवर तो उस पर्टिकुलर केस में डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट हो जाएगी तो मैंने क्या बोला डोमेस्टिक कंपनी के लिए जनरल टैक्स रेट इज थर्टी परसेंट बट डोमेस्टिक कंपनी का टर्न ओवर प्रीवियस ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू का इज अप फोर हंड्रेड करोड़ तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट हो जाएगी एक बात समझना आपको टर्न कौन से ईयर का देखना है ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू प्रीवियस ईयर का आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 23-24 की इनकम पे बट आपको टर्नओवर टर्नओवर का देखना है एंड इज अप टू 400 करोड़ तो टैक्स रेट है फोर हंड्रेड करोड़ हो जाएगी इसका लॉजिक मैं आपको रेगुलर क्लास फास्ट ट्रैक क्लासेस में ऑलरेडी बता चुका हूं अब एक बात समझता हूं फॉरेन कंपनी जो होती है उसके लिए टैक्स रेट है वो 40 परसेंट है लेकिन सर एक बात बताइए क्या कंपनीज के लिए भी सरचार्ज लगता है आंसर इज यस कंपनीज के केस में सरचार्ज लगेगा अगर आपका टोटल इनकम है वो वन करोड़ से ज्यादा है इफ यूर टोटल इनकम इज मोर देन वन करोड़ तो लगेगा अब यहां पर टोटल इनकम मोर देन वन करोड़ है अपटू टेन करोड़ है तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए सरचार्ज लगेगा सेवन परसेंट एंड इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन टेन करोड़ तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए सरचार्ज लगेगा ट्वेल्व परसेंट और वहीं फॉरेन कंपनी के लिए टू परसेंट एंड फाइव परसेंट हो जाएगा इंस्टेड ऑफेंट एंड तो मैंने क्या बोला देखिए डोमेस्टिक कंपनी टोटल इनकम इज मोर देन करोड़ अप टू अपन करोड़ सेवन परसेंट सरचार्ज मोर देन टेन करोड़ तो आपका ट्वेल्व परसेंट सरचार्ज फॉरन कंपनी के केस में वही टू एंड फाइव अब एक और चीज समझना जो भी तुम्हारी फर्म होती है एल होती है लोकल ऑथोरिटी होती है उस पर फ्लैट टैक्स रेट लगेगा थर्टी की रेट से एंड सरचार्ज लगेगा इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन वन करोड़ तो सरचार्ज लगेगा ट्वेल्व परसेंट की रेट से सरचार्ज लगेगा तो मैंने क्या बोला पार्टनरशिप फॉर्म एल लोकल अथॉरिटी के लिए टैक्स रेट इज थर्टी परसेंट सरचार्ज इज एप्लीकेबल इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन वन करोड़ एट द रेट 12%. उसके बाद मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑपरेटिव सोसाइटीटिव सोसाइटी बेसिकलीओपीबीआई बट यहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की टैक्स रेट है वो अलग से दे रखी है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अप टू 10,000 तक आपको 10% की रेट से टैक्स लगेगा 10,000 इनकम से लेकर ट्वेंटी तक आपका ट्वेंटी और ट्वेंटी से ज्यादा इनकम होगा तो उस पर थर्टी की रेट से टैक्स लगेगा

मार्जिनल रिलीफ कहां कहां लगता है तो मैं बता दूं मार्जिनल रिलीफ वहां वहां लगेगा जहां जहां सरचार्ज लगता है जहां जहां सरचार्ज लगता है जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन के केस में इफ योर इनकम इज मोर देन 50 लाख और इफ योर इनकम इज मोर देन वन करोड़ टू करोड़ फाइव करोड़ तो वहां सरचार्ज की रेट चेंज होती है तो जहां जहां सरचार्ज लगता है वहां एक कॉन्सेप्ट मार्जिनल रिलीफ आता है पार्टनरशिप फर्म के केस में इफ योर इनकम इज मोर देन केन करोड़ तो मार्जिनल रिलीफ देखना है उसके बाद में कंपनी के केस में वन करोड़ से ज्यादा है या टेन करोड़ से ज्यादा है तो आपको यहां मार्जिनल रिलीफ देखना है मार्जिनल रिलीफ क्या होता है तो एक बात बताओ बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपकी जितनी इनकम बढ़ी ना उससे ज्यादा आपका टैक्स बढ़ जाता है मेनी टाइम योर टैक्स इंक्रीज इज हायर एज कंपेयर टू योर इंक्रीज इन द इनकम मतलब जितना इनकम में इंक्रीज हुआ उससे ज्यादा आपके टैक्स में इंक्रीज हो जाता है तो वहां पर गवर्नमेंट आपको मार्जिनल रिलीफ देती है आप बोलोगे मार्जिनल रिलीफ की कोई सेक्शन है क्या आंसर इज नो ये आपका फाइनेंस एक्ट आता है।, उस नहीं है अब ये मार्जिन रिलीफ कैसे मिलती है तो देखो अपन एक एग्जांपल लेते example से समझने की कोशिश करते हैं जैसे मान लो एक कंपनी है, है उसका इनकम वन करोड़ वन लाख है और उस पर जो टैक्स रेट है वो थर्टी है अब टैक्स रेट थर्टी परसेंट है तो एक बात बताओ वन करोड़ वन लाख पे आपने टैक्स निकाला थर्टी परसेंट थर्टी लाख थर्टी थाजर से ज्यादा है तो यहां पर सेवन परसेंट सरचार्ज लगेगा सेवन परसेंट सरचार्ज आया टू लाख ट्वेल्व थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी लैखी थाउजेंड प्लस सेवन परसेंट तो टोटल हो गया थर्टी टू 7% फोर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड अब एक बात बताओ यहां पर कंपनी ये बोलती है कि हमारी इनकम वन, तो हम वन करोड़ वन लैख है तो हमारा टैक्स आ रहा है थर्टी टू लैख फोर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड ड्यू टू दरचार्ज कंपनी बोलती है तो हमारा टैक्स कितना होता थर्टी लैख होता अगर हमने वन करोड़ ही अर्न किया होता तो हमारा टैक्स कितना होता थर्टी लैख होता हमने गलती कर दी कि वन लैख ज्यादा अर्न कर लिया अगर जो वन लाख हमने ज्यादा अर्न किया है ना वो आप ही रख लो निर्मला सीतारमन जी मोदी जी आप ही रख लो अगर वो आप ही ले लेते हो वन लाख रुपए हमको नहीं चाहिए तो भी थर्टी वन लैख होता है ना और आप यहां पे थर्टी टू लैख फोर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड ले रहे हैं ये तो गलत है ना बिकॉज आप देखोगे कि यहां पे वन करोड़ से ऊपर आपके इनकम में इंक्रीमेंट कितना हुआ तो इनकम में इंक्रीमेंट हुआ वो वन लैख का हुआ एंड गाइस उसकी वजह से आपके टैक्स में इंक्रीमेंट कितना हुआ टू लाख फोर्टी टू थाउजेंड एंड वन हंड्रेड का हुआ इनकम इज इंक्रीज बाय ओनली वन लाख बट ड्यू टू दैट सर ड्यू टू सरचार्ज टैक्स इज इंक्रीज बाई टू लैखी टू थाउजेंड वन हंड्रेड निर्मला सीतारमन जी बोलते हैं दे और हम आपसे सिर्फ थर्टी वन लाख का टैक्स है वो कलेक्ट करेंगे ना कि थर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड अब आपको एग्जाम में क्या करना है ध्यान रखना सबसे पहले जब भी आपकी इनकम लिटिल बिट मोर देन इंडिविजुअल एच यू एफ आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में लिटिल बिट मोर देन 50 लाख है या लिटिल बिट मोर देन वन करोड़ है टू करोड़ है फाइव करोड़ है कंपनीज के केस में लिटिल बिट मोर देन वन करोड़ टेन करोड़ है पार्टनरशिप फर्म के केस में लिटिल बिट मोर देन वन करोड़ है तो आपको चेक करना रहेगा आप क्या करोगे जैसे जो इनकम आती है उस इनकम पे पहले आप टैक्स कैलकुलेट कर दीजिए उस पर आप सरचार्ज ऐड कर दीजिए और सरचार्ज ऐड करने के बाद आप यहां पे ऐसा लिखेंगे कि जो भी 32, 42, 100, this amount is restricted to. ये अमाउंट है दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ये रेस्ट्रिक्ट करेगा किससे रेस्ट्रिक्ट करेगा कि टैक्स ऑन करोड़ आपका वन करोड़ ही इनकम होता तो कितना टैक्स आता और प्लस कर दीजिए वन करोड़ के ऊपर वाला जितना भी इनकम है वो एज इट इज निर्मला सीतारमन जी को दे दीजिए मीन इसमें आपको प्लस करना है एनटीआई टी माइनस वन करोड़ तो यहां पे वन लेक आया थर्टी वन लेक आया अब एक बात बताऊं मैं बोल रहा हूं थर्टी टू लैख फोर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड है ये रेस्ट्रिक्ट करेगा थर्टी वन लैख से इसका मतलब विच एवर इज लोअर वाला कंटिन्यू कर दीजिए और विच एवर इज लोअर वाला कंटिन्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट मिल जाएगा और उसके बाद में आप हेल्थ एंड एजुकेशन से है, वो आप एड कर दीजिए अब क्वेश्चन ये आता है क्या मार्जिन रिलीफ सिर्फ कंपनीज के केस में आएगा नहीं बाबू मार्जिनल रिलीफ है वो हर जगह लगेगा जहां जहां सरचार्ज लगता है और इनकम इज लिटिल बिट मोर देन 50 लाख है जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी आई आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन के केस में या लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है क्योंकि 1 करोड़ पे क्या होता है सरचार्ज की रेट चेंज हो जाती है ना 10% से 15 हो जाती है या लिटिल बिट मोर देन टू करोड़ है तो वहां ट्वेंटी है लिटिल बिट मोर देन फाइव करोड़ है तो थर्टी सेवन परसेंट होती है या कंपनीज के केस में लिटिल बिट मोर देन वन करोड़ है तो वहां पर सरचार्ज लगता है सेवन परसेंट टेन करोड़ से ज्यादा है तो वहां पर क्या हो जाता है आपका रेट है वो चेंज हो जाती है ट्वेल्व परसेंट सरचार्ज की रेट हो रेट हो जाती है तो वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा जब आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो दूसरा एग्जाम्पल में मैंने लिया है कि एक डोमेस्टिक कंपनी ऐसी है जिस पे टैक्स रेट 25 परसेंट और उसकी इनकम 10 करोड़ टू लैख थर्टी थाउजेंड है तो देखिए लिटिल बिट मोर देन 10 करोड़ है ना तो पहले आप टैक्स निकाल दीजिए उसमें सरचार्ज कितना होता है ट्वेल्व वो आप एड कर दीजिए फिर आप लिखिए दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन टेन करोड़ अगर टेन करोड़ ही इनकम होता तो कितना टैक्स लगता

उस पे जो टैक्स आएगा ना उस टैक्स में से यहां रिबेट मिलेगा रिबेट कितना मिलेगा 100% ऑफ द टैक्सेस और 12,500 थाउजेंड फाइव एवर इज लोअर वाला रिबेट मिलेगा जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कोई एसएससी ऐसा है जिसका टोटल इनकम फोर लैख फोर्टी थाउजेंड है इंडिविजुअल है रेजिडेंट इंडल फोर लै फोर्टी थाउजेंड तो फोर लैख फोर्टी थाउजेंड पर जब आप टैक्स निकालोगे तो अप टू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तक कोई भी टैक्स नहीं आएगा अब फोर लैख फोर्टी थाउजेंड माइनस टू लैख फिफ्टी थाउजेंड रिमेनिंग इज वन लैख नाइनटी थाउंड पे फाइव परसेंट रेट से टैक्स आएगा नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आपको रिबेट कितना मिलेगा जो टैक्स का अमाउंट है दैट इज नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और 12,500 थाउजेंड विच एवर इज लोअर कम्स टू द आपका 9,500 तो 9,500 का पूरा रिबेट मिल जाएगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा इसके लिए हम बोलते हैं कि अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है ना तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं आता ड्यू टू तो दिस पर्टिकुलर रिबेट बट ये ध्यान रखना ये रिबेट सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है

और वो इनकम है एल टीसीजीजी शेयर मार्केट से जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना शेयर मार्केट वाला उसके उस इनकम पे टैक्स जो आएगा उसके सामने ये रिबेट नहीं मिलती बाकी एनी अदर टाइप ऑफ द इनकम है उसके सामने ये रिबेट मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज समझना यहां पे अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा हुई तो तो ये रिबेट नहीं मिलेगी जैसे एग्जांपल के लिए आपकी इनकम 5 लाख 7000 है तो जब फाइव लैक सेवन थाउजेंड है तो ये रिबेट नहीं मिलेगा 5, 7, पे आप 13, आया, ये रिबेट नहीं मिलेगा और आपको करके, आपको इतना पे पड़ेगा. तो देखिए जो आपका इनकम दैट इज ऑनली सेवन थाउजेंड और उसकी वजह से आपका टैक्स कितना आ रहा, है? 14, आ रहा है तो क्या यहां पे कोई ऐसा मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट है आंसर इज नो एटी सेवन ए में यहां पे मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन सेक्शन एक वन वन फाइव अभी अपन पढ़ेंगे वन वन फाइव में पढ़ाऊंगा वहां पर मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट आएगा एटी सेवन ए में भी बट वो तभी आएगा जब वन वन फाइव लग रहा है विदाउट वन वन फाइव बीएससी यहां पर फाइव लैख का लिमिट है और फाइव लैख तक का आपका इनकम है तो जो भी हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्सेस और ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर वाला रिबेट मिलेगा फाइव लैक से लिटिल बिट इनकम ज्यादा है तो ये रिबेट नहीं मिलेगा मीस फाइव लैख से बिल्कुल भी ऊपर हुआ फाइव लैक फिफ्टीन रूपीज हो गया तो भी आपको ये रिबेट एटी सेवन ए का नहीं मिलेगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस चलिए अब अपन बात करते हैं ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम की तो चलिए अब अपन चालू कर रहे हैं स्पेशल टैक्स रेट मैंने आपको बोला था कि देखो जनरल टैक्स रेट है वो फाइनास एक्ट 2023 में दे रखी है स्पेशल टैक्स रेट है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दे रखी है और स्पेशल टैक्स रेट है ना वो जितनी भी है वो चैप्टर 12 होता है अपने इनकम टैक्स एक्ट में चैप्टर होते हैं और चैप्टर जो ट्वेल्व होता है एक्ट का उसमें स्पेशल टैक्स रेट दे रखी है तो चलिए सबसे पहले स्पेशल टैक्स रेट हम पढ़ रहे हैं डबल ए दैट इज वन वन फाइव बा क्या बोलेंगे 115BA. एक बात बताओ, मुझे बताओ डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या होता है तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट अभी अपन ने डिस्कस किया था नॉर्मली थर्टी परसेंट बट डोमेस्टिक कंपनी का प्रीवियस इवेंटी टू का टर्न ओवर अपू फोर हंड्रेड करोड़ तो आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट अदरवाइज थर्टी वो टैक्स रेट थी सरचार्ज कितना था सेवन एंड ट्वेल्व अब एक बात समझना एक सेक्शन होती है वन 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 और वन वन फाइव बी डबल ये बोलती है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है वो चाहे तो टैक्स पे कर सकती है अपनी इनकम पे ओनली ट्वेंटी टू परसेंट की रेट से कितना मस्त है ना मजा आ जाएगा ओनली ट्वेंटी टू परसेंट की रेट से टैक्स पे कर सकती है लेकिन एक बात बताओ ये ट्वेंटी टू परसेंट की रेट से टैक्स पे करना है तो क्या ट्वेंटी टू परसेंट है ये फ्लैट रेट रहेगा इसमें क्या कोई सरचार्ज जुड़ेगा या नहीं राइट आंसर इज एक बात बताऊं ट्वेंटी टू परसेंट इज टैक्स रेट इसमें ऑलवेज टेन परसेंट सरचार्ज जुड़ेगा ऑलवेज टेन परसेंट सरचार्ज जुड़ेगा इेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम अगर उस डोमेस्टिक कंपनी का इनकम ओनली हंड्रेड रुपीज है तो भी टेन परसेंट सरचार्ज जुड़ेगा एंड उसमें फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स जुड़ेगा तो इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाएगा ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट तो देखिए सेक्शन 115 बा बी डबल ए है ये कंपनी के लिए ऑप्शनल है कि डोमेस्टिक कंपनी चाहे तो ये सेक्शन ले सकती है और अगर ये सेक्शन लेती है तो डोमेस्टिक कंपनी को 22% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा 10% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सो इफेक्टिव टैक्स रेट विल बी द 25.168% लेकिन सर एक बात बताइए व्हाट अबाउट द स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम का टैक्स जैसे एल टी सी जी वन वन टू ए वाला है एस टी ट्रिपल बन ए वाला है एल टी सी जी है विनिंग का इनकम है उसपे कौन सी रेट से टैक्स लगेगा तो उसपे टैक्स है वो स्पेशल रेट से ही लगेगा स्पेशल रेट्स अगर टेन परसेंट है ट्वेंटी परसेंट है फिफ्टीन परसेंट है थर्टी परसेंट है उसी से लगेगा लेकिन उसमें ऑलवेज टेन परसेंट आपको सरचार्ज एड करना, करना है तो स्पेशल रेट्स की इनकम पे स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा बाकी जो भी इनकम रहेगी उस पर ट्वेंटी टू परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा प्लस टेन परसेंट सरचार्ज फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सर अगर अदर सोर्सेस का इनकम हुआ हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हुआ उस पर कौन सी रेट से टैक्स लगेगा उस पर भी ट्वेंटी टू परसेंट जाएगा तो आप ऐसे याद रखोगे कि एस टी सी जी ट्रिपल वन के बाद एलटीसीजी नॉर्मल वाला उस पर स्पेशल रेट्स होती है वो स्पेशल रेट्स पे ही टैक्स लगेगा प्लस टेन परसेंट सरचार्ज फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन बाकी जितना भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है पीजीबीपी का इनकम है अदर सोर्सेज का इनकम है उस पर ट्वेंटी टू परसेंट प्लस टेन परसेंट प्लस फोर परसेंट मिन ट्वेंटी 5.16/8% इज द इफेक्टिव टैक्स रेट लेकिन एक चीज ध्यान रखना अगर आप 115BBA का बेनिफिट लेते हो तो आपको एक और बेनिफिट मिलेगा आपको मैट नहीं लगेगा नॉर्मली कंपनीज के केस में मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट लगता है ये मैट आपको नहीं लगेगा लेकिन सर एक बात बताइए पुराना मैट क्रेडिट होगा उसका क्या करेंगे क्योंकि मैट क्रेडिट जो है वो 15 इयर्स तक असेसमेंट ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं तो पुराना अगर मैट क्रेडिट है तो उसका क्या करेंगे वो क्रेडिट लैप्स हो जाएगा मीन्स उस क्रेडिट का कुछ भी नहीं होगा अगर आपने ये सेक्शन ले ली वन वन बी डबल ए तो जितना भी पुराना मैट क्रेडिट है वो तुम्हारा गया वो लैप्स हो जाएगा क्योंकि मैट अभी लगता नहीं है अब एक और चीज समझना अगर आप इस सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको कुछ बलिदान देने पड़ेंगे कुछ आहुतियां देनी पड़ेगी कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे क्या क्या सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे सबसे पहले आप टेन डबल ए जो जेड वाला डिडक्शन है वो आप नहीं ले सकते यू नो डबल ए में फिफ्टीन आपको डिडक्शन मिलता है जेड में जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट होता है उस पर फर्स्ट फाइव ईयर्स के लिए हंड्रेड परसेंट सेकेंड फाइव ईयर के लिए फिफ्टी परसेंट थर्ड फाइव ईयर के लिए फिफ्टी परसेंट और अमाउंट ट्रांसफर टू एसीड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व एवर इज लोअर ये जो डिडक्शन मिलता है डबल ए का वो नहीं मिलेगा

उसके बाद गाइस सेक्शन थर्टी फाइव वन टू थर्टी फाइव टू डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा ये क्या होता है साइंटिफिक रिसर्च में डोनेशन के डिडक्शन जब आप साइंटिफिक रिसर्च में आप डोनेशन देते हो वो डोनेशन के जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेंगे 3512 में क्या होता है अगर आप कोई भी रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी को आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए देते हो या थ्री में क्या होता है सोशल स्टेटिस्टिकल रिसर्च के लिए देते हो थर्टी फाइव टू डबल ए में क्या होता है इंडियन कंपनी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए देते हो थर्टी फाइव टू डबल क्या होता है कि आई आई टी नेशनल लेबोरेटरी को आप डोनेशन देते हो तो आप ये ध्यान रखिए कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च में हमने जो डोनेशन वाली डिडक्शन पढ़ी थी ना वो नहीं मिलेगी लेकिन अगर आप इनहाउस रिसर्च करते हो तो थर्टी फाइव वन वन एंड थर्टी फाइव वन फोर में रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पर हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिलता है वो मिलेगा वो कंटिन्यू रहेगा इवन यू आर ऑप्टिंग द सेक्शन वन वन फाइव बा अगर आप वन वन फाइव ले रहे हो तो भी साइंटिफिक रिसर्च में जो इनहाउस रिसर्च की जो डिडक्शन है जो आप अपने बिजनेस के लिए रिसर्च के लिए खर्चा करोगे थर्टी फाइव वन वन में और थर्टी फाइव वन फोर में हंड्रेड परसेंट वो आपको मिलेगा वो कंटिन्यू रहेगा सिर्फ डोनेशन वाली डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगी आप इसको ऐसे याद रखिए साइंटिफिक रिसर्च में जो डोनेशन वाली डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगी उसके बाद थर्टी की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी 35 AD, वो 14 थर्टी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड नहीं मिलेगा 35 CCC, 35 CCD नहीं मिलेगा 35 CCC, CCD होता एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे 100 परसेंट डिडक्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा उसके बाद में एक, रखना अंडर 6A, अंडर 6A, आपको एक भी डिडक्शन नहीं मिलेगा लेकिन तीन डिडक्शन मिलेंगे तीन डिडक्शन आप ले सकते हैं एक तो एटी डबल जे डबल, डबल ए का ले सकते हैं एक एटी एल ए का ले सकते हैं और एम का ले सकते हैं बाकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा जैसे एटी क्यू क्यू बी एटी आर आर बी वगैरह जो ऐसे डिडक्शन वगैरह है वो नहीं मिलेंगे ए टी आई ए टी आई बी कुछ भी नहीं मिलेगा आपका एटी क्या बोलते हैं उसको पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन वगैरह कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा तीन डिडक्शन ले सकते हैं एक तो एटी डबल जे डबल ए ले सकते हैं टी डबल जे डबल ए को कैसे याद रखते हैं जामत आ आप एम्प्लॉय को क्या बोलते हो जामत आ जो नए एम्प्लॉय रिक्रूट करते हो उन सैलरी जो देते हो उसका थर्टी परसेंट का डिडक्शन ए टी डबल डबल ए में मिलता है वो मिलेंगे मिलेगा एटीएलए का डिडक्शन मिलेगा एटीएलए क्या होता है कि आईएफएससी में लोकेटेड अगर आपका कंपनी है तो 10 इयर्स तक टैक्स नहीं लगता वो एटीएलए मिलेगा और एटीएम क्या होता है इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड अगर एक डोमेस्टिक कंपनी है उसको किसी भी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से फॉरेन कंपनी से बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड मिलता है और वो इस साल में वापस किसी को डिविडेंड दे रही है और रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से महीना पहले तक जितना भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया विच एवर इज लोअर वाले का एक का एक एटीएम डिडक्शन मिलता है इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड पे वो मिलेगा बाकी कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर कॉर्पोरेटिडेंड से नहीं मिलेगा तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है वो चाहे तो 22 टू परसेंट के रेट से टैक्स पे कर सकती है लेकिन सर एक बात बताओ ये डोमेस्टिक कंपनी क्या न्यू होनी चाहिए या ओल्ड होनी चाहिए कोई भी हो सकती है न्यू भी है तो भी चलेगा ओल्ड है तो भी चलेगा अगर ये डोमेस्टिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो भी चलेगा नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो भी चलेगा सर्विस प्रोवाइडर है तो भी चलेगा अगर डोमेस्टिक कंपनी चाहे तो 22% की रेट से टैक्स पे कर सकती है 22% प्लस 10% प्लस 4% परसेंट सो इफेक्टिवली इट विल बी द्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट स्पेशल रेट पे इनकम स्पेशल रेट से ही लगेगा बट टेन सरचार्ज लगेगा फोर हेल्थ एंड एजुकेशन से कंपनी को क्या क्या छोड़ना पड़ेगा तो कंपनी को सरेंडर करना पड़ेगा टेन डबल ए का डिडक्शन नहीं मिलेगा एडिशनल एप्रीसिएशन नहीं मिलेगा ए नहीं मिलेगा साइंटिफिक रिसर्च में डोनेशन वाली डिडक्शन नहीं मिलेगी थर्टी फाइव एडी नहीं मिलेगा थर्टी फाइव सीसीडी नहीं मिलेगा एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स से नहीं मिलेगा बट थ्री डिडक्शन मिलेंगे कौन से एक तो एटी डबल जे डबल ए है मत आ एम्प्लॉय को आप क्या करते हो नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हो ठीक है उसके बाद एटीएलए मिलेगा एटीएम मिलेगा एक और चीज समझना मेकर्स बोलते हैं कि इन डिडक्शन की वजह से अगर कोई पुराना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या अनएब्सॉर्ब एप्रीसिएशन है तो उसको आप ऑफ नहीं कर सकते वो लैप्स हो जाएगा जैसे मान लो पुराना तुम्हारा कोई लॉस है स्पेसिफाइड बिजनेस से रिलेटेड या पुराना अनशियशन में एडिशनल डेप्रिशिएशन है तो वो आपको इग्नोर करना पड़ेगा उसको अब आप सेट ऑप नहीं कर सकते करके ठीक है तो मैंने क्या बोला इंट्रोडक्शन की वजह से अगर कोई पुराना तुम्हारा लॉस या अनएब्सॉर्ब एप्रीशिएशन है तो वो लैप्स हो जाएगा उसको अब आप सेट ऑप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अब एक और चीज समझना अगर आपको इस सेक्शन का बेनिफिट लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले जो आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यूडेट होती है रिटर्न फाइलिंग की ड्यूडेट से पहले पहले आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा दैट इज टेन आई फॉर्म और टेन आईसी फॉर्म में आपको बोलना पड़ेगा कि हम वन वन फाइव बी ए बी डबल ए है उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं और अगर आपने एक बार इस सेक्शन का बेनिफिट ले लिया तो बेटा अगले साल से हर साल फिर ये सेक्शन लगेगी हर साल फिर आपको 22% की रेट से ही टैक्स भरना पड़ेगा एक बार आपने ये ऑप्शन ले लिया तो फिर आप विद्रॉ नहीं कर सकते इस सेक्शन में ही रहना पड़ेगा लेकिन यहां पे एक पॉइंट ये बोलता है कि अगर मान लो आपने ये सेक्शन ले लिया और जिसमें आप 22% की रेट से टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन आगे जाके कोई कंडीशन को आपने सेटिस्फाइड नहीं किया जैसे मान लो किसी ईयर आपने ये डिडक्शन ले ली है एडिशनल डेप्रिशिएशन वगैरह तो आप इस सेक्शन से बाहर आ जाओगे और अगर आप एक बार 115 वन बा से बाहर आ गए ना तो वापस आप 115 वन बा नहीं ले सकते वापस फिर आप इस सेक्शन में नहीं आ सकते हैं यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना एक सेक्शन है 115 वन फाइव बी ए बी वन वन फाइव बी मतलब वन वन बेब बोलेंगे क्या बोलेंगे वन वन बेब करके तो एक सेक्शन है वन वन बेब दैट इज वन वन फाइव बी ए बी वन ये बोलती है कि अगर कोई भी न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो कंपनी चाहे तो ये सेक्शन का बेनिफिट ले सकती है और सिर्फ 15% की रेट से टैक्स पे कर सकती है तो देखिए बेटा पहली चीज यहां पे न्यू होनी चाहिए कंपनी डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए तो वो चाहे तो 15% परसेंट की रेट से टैक्स पे कर सकती है अपनी बिजनेस की इनकम पे तो जो भी बिजनेस की इनकम है उस पर फिफ्टीन परसेंट से टैक्स पे कर सकती है लेकिन बेटा के साथ में आपको हमेशा टेन परसेंट सरचार्ज एड करना पड़ेगा फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से एड करना पड़ेगा तो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो सेवनटीन पॉइंट वन सिक्स परसेंट आ जाएगा मीनस इफेक्टिव टैक्स रेट इज सेवनटीन पॉइंट वन सिक्स परसेंट तो देखिए मैंने क्या बोला सबसे पहली चीज सेक्शन 115 वन फाइव बी ए बी वन वन फाइव बेब करके जो सेक्शन है वो कब लगेगी पहली चीज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए और वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रजिस्टर्ड हुई है ऑन और आफ्टर फर्स्ट अक्टूबर 2019 से लेके उसके बाद में रजिस्टर्ड हुई है और उसने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कमेंस कर लिया है टिल थर्टी मार्च टू तो मैंने क्या बोला देखो न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट एंड रजिस्टर्ड हुई है टर्टी फर्स्ट मार्च उसके पास में, option है, इस section में उसको सिर्फीन परसेंट से टैक्स पे करना है बट फिफ्टीन प्लस आपका टेन परसेंट सर ऑलवेज लगेगा फोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा वो ऑलवेज लगेगा सो सिक्स है वो इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाएगा तो मैं बोलूंगा यहां पर टैक्स रेट फिफ्टीन परसेंट ठीक है थीके? बट हमेशा ध्यान रखना टेन परसेंट एजुकेशन सेस ऑलवेज लगेगा ऑफ इनकम अब एक और चीज समझना सर ये तो बात हो गई यहां पर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से रिलेटेड जो इनकम होगा उसका सर वॉट अबाउट द अदर हेड का इनकम जैसे सर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हुआ या जैसे इनकम जो हुआ वो अदर सोर्सेज का इनकम हुआ तो एक चीज ध्यान रखना अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होता है अदर सोर्सेज का इनकम होता है तो उस इनकम पे जो टैक्स लगेगा ना वो 15 परसेंट से नहीं लगेगा वो 22 परसेंट से लगेगा मीनस 22 टू परसेंट एज टैक्स रेट प्लस 10 परसेंट सरचार्ज ऑलवेज फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेलवेज ट्वेंटी फाइव सो हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स हेड का इनकम है उस पर ट्वेंटी टैक्स रेट लगेगी लेकिन यहां पर एक एंटिक चीज है जो वन बा में नहीं थी यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होगा या अदर सोर्सेस का इनकम होगा वो ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होगा ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होगा इसका मतलब उसके सामने कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा जो ग्रॉस इनकम है वो टैक्सेबल होगा जैसे हाउस प्रॉपर्टी में म्यूनिसिपल था, या इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन वो नहीं मिलेगा जो ग्रॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो टैक्सेबल होगी अदर सोर्सेज की ग्रॉस इनकम है वो टैक्सेबल होगी उसके सामने किसी भी खर्चे या अलाउंसेस का डिडक्शन वगैरह आपको नहीं मिलेगा सर एक बात बताओ तो आपने क्या बोला बिजनेस की इनकम है वो परसेंट हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज की इनकम है वो आपका ट्वेंटी टू परसेंट सर, व्हाट अबाउट द स्पेशल रेट्स का इनकम जैसे एल 112, वन वन टू ए एल टी सी जी वन वन टू है एल टी सीजी टू एस टी ट्रिपल वन विनिंग का इनकम वो सब इनकम जो है वो स्पेशल रेट की इनकम स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगी बट प्लस करना पड़ेगा टेन परसेंट सरचार्ज फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन और चीज समझना अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया तो देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर डेप्रिशिएबल असेट वाला है क्योंकि एक बात बताओ डेप्रिशिएबल असेट्स वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो डेप्रीशिएशन आपने लिया होगा तो आपने बिजनेस की इनकम कम की होगी और बिजनेस की इनकम कम की होगी तो आपने 15% परसेंट की रेट से टैक्स सेव किया होगा तो अगर आपका डेप्रिशिएबल असेट बेचते हो और उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो आपको टैक्स भी 15 परसेंट से ही लगेगा. 15 10 4%. लेकिन अगर एज पर तो क्या, क्या बोलती है कि अगर न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सेटअप एंड रजिस्टर्ड हुई है अक्टोबर अक्टूबर 2019 के बाद मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट हुआ टिल थर्टी मार्च 2024 टैक्स रेट इज

जैसे मान लो मैं किसी कंपनी में शेयर होल्डर हूं दो कंपनियां एक कंपनी मुंबई में है जो नॉर्मल वाली है दूसरी कंपनी मैंने सेटअप की फॉर एन एग्जांपल रायपुर में और वो 115 वन वाली है तो उस पर टैक्स रेट कम लगेगा अब मैं एक बात बताऊं मैं हमेशा क्या करूंगा कि जिस पे 115 बी का बेनिफिट मिल रहा है 15 परसेंट का उसपे प्रॉफिट में ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरी रायपुर वाली कंपनी है जिस पे टैक्स रेट 15% परसेंट लग रहा है मैं उसमें प्रॉफिट को इन्फ्लेट करूंगा इन्फ्लेट कैसे करूंगा वहां से किसी गुड्स को सेल करवाऊंगा मुंबई की कंपनी में और सेल करवाऊंगा हाई वैल्यू पे बिलिंग को चेंज करूंगा जिससे क्या होगा वहां टैक्स रेट ज्यादा लगेगा टैक्स रेट है वो कम लगता है वहां इनकम ज्यादा आएगी टैक्स कम लगेगा लेकिन मुंबई में टैक्स सेव होगा क्योंकि मुंबई की कंपनी 25-30 परसेंट टैक्स पे कर रही है और वो सिर्फ 15 परसेंट पे कर रही है रायपुर वाली तो जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं उसका प्रॉफिट ज्यादा बताऊंगा यहाँ पे मेकर्स ने एक पावर दे रखा है एओ को अंडर सेक्शन 115 वन फाइव बी ए बी सब सेक्शन सिक्स और उसमें एओ देखेगा कि आपका प्रॉफिट कितना है अगर नॉर्मल प्रॉफिट है तो नॉर्मल प्रॉफिट पे 15 परसेंट टैक्स लगेगा लेकिन जो सुपर प्रॉफिट हुआ एक्सेस प्रॉफिट हुआ तो उस पर जो है वो थर्टी परसेंट की रेट से एओ टैक्स लगाएगा प्लस टेन परसेंट प्लस फोर परसेंट और यहां पे बेटा अगर वो ट्रांजेक्शन है इंटर कंपनीज के बीच में वो ट्वेंटी करोड़ से ज्यादा है तो वहां पे आपका ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन भी लग जाएगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना अगर आप वन वन फाइव बी ए तो आपको मैट नहीं लगेगा अब एक बात बताऊं मैट नहीं लगेगा तो मैट क्रेडिट मैट क्रेडिट आएगा ही नहीं क्योंकि अभी मैं आपको का आपको बताऊंगा का बेनिफिट लेना है ना तो पहले साल में मतलब जब ये कंपनी अपना पहला रिटर्न फाइल करेगी पहले रिटर्न फाइल करने से पहले पहले उसको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा तो जब पहले ही साल से आप 115 वन फाइव बीएबी ले रहे हो तो ऑब्वियसली चीज है कि आपका कोई भी मैट क्रेडिट वगैरह आएगा ही नहीं अब एक चीज समझना अगर कोई भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बीएबी 15 से टैक्स भरना चाहती है तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी पहली कंडीशन वही है कि कंपनी सेटअप एंड रजिस्टर्ड होनी चाहिए फर्स्ट अक्टूबर 2019 के बाद में और मैनुफेक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट हो गया हो टिल थर्टी मार्च टू दूसरी कंडीशन है कि कंपनी न्यू होनी चाहिए यह कंपनी जो है वो स्प्लिट अप या रिकंस्ट्रक्शन से नहीं बनाई हो न्यू कंपनी होनी चाहिए नया बिजनेस होना चाहिए तीसरी कंडीशन यह है कि यह कंपनी जो भी प्लांट एंड मशीनरी लाएगी ना वो प्लांटेड मशीनरी न्यू होनी चाहिए बट इसके टू एक्सेप्शन है पहला तो आपकी टोटल प्लांटेड मशीनरी में ट्वेंटी परसेंट तक सेकेंड हैंड हो सकती है एंड दूसरा अगर मान लो आपकी जो इंपोर्टेड प्लांटेड मशीनरी है जो इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो भले वो सेकेंड हैंड है तो भी वो न्यू ही मानी जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन तो मैंने क्या बोला देखो तीन कंडीशन पहली कंडीशन न्यू कंपनी होनी चाहिए सेटअप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर फर्स्ट अक्टूबर टू थाउंडीन बिजनेस टिल थर्टी फर्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर सेकंड कंडीशन इट शुड बी अ न्यू बिजनेस इट शुड नॉट बी स्प्लिट अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्जिस्टिंग बिजनेस थर्ड कंडीन प्लाटेड मशीनरी शुड बी न्यू बी परसेंट कैन बी सेकंड और इंपोर्टेड प्लांट मशीनरी विल बी ट्रीटेड एज न्यू ओनली फॉर द दर्पज ऑफ दिस सेक्शन अब एक और चीज समझना लॉ बोलता है कि ये कोई भी ऐसी बिल्डिंग यूज नहीं करेंगे जो पहले एज ए होटल या कन्वेंशन सेंटर यूज हो चुकी है मिस पहले क्या होता था एक सेक्शन हुआ करती थी ए टी आई ई करके और ए टी आई ई में डिडक्शन मिलता था होटल और कन्वेंशन सेंटर को ठीक है तो वो वाली होटल या कन्वेंशन सेंटर वाली बिल्डिंग ये अपने बिजनेस में यूज नहीं करेंगे पांचवी कंडीशन है कि कंपनी जो है ना वो क्या करेगी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग से साथ साथ में वो बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई रिसर्च कर रहे है, तो चलेगा मिस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हैं या फिर जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वही बिजनेस होना चाहिए मिस कुल मिला के वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होने चाहिए किसी भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में नहीं होने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वो कंपनी होनी चाहिए लेकिन एक चीज समझना कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं माने जाएंगे नेगेटिव लिस्ट दे रखी है कौन से बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं माने जाएंगे इन्होंने बोला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर आप बनाते हो यह मैन्युफैक्चरिंग नहीं है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग बिजनेस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग अगर आप मार्बल ब्लॉक्स को छोटे छोटे स्लैब्स में काटते हो यह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है अगर आप गैस को सिलेंडर में भरते हो गैस को सिलेंडर में भरते हो बोटलिंग करते हो ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है अगर आप प्रिंटिंग और बुक्स की प्रिंटिंग करते हो या मूवी बनाते हो ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है या कोई भी अदर नोटिफाइड बिजनेस अगर और भी वो नोटिफाई करते हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो देखो पहली कंडीशन मैंने क्या बोले कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस उससे रिलेटेड रिसर्च कर रही है चलेगा वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है चलेगा लेकिन कुछ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं है कौन कौन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग कन्वर्जन ऑफ ब्लॉक इनटू द स्लैब्स इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग बोटलिंग ऑफ गैस इनटू द सिलेंडर या प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और प्रोडक्शन ऑफ मूवी इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग लेकिन एक चीज ध्यान रखना अगर मान लो कोई भी कंपनी ऐसी है जो पावर जनरेशन बिजनेस में है मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है वो मैन्युफैक्चरिंग माना जाएगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज द मैन्युफैक्चरिंग अब एक और चीज समझना कंपनी कुछ डिडक्शन नहीं ले सकती कौन कौन से डिडक्शन नहीं ले सकती SEZ वाला नहीं ले सकती एडिशनल नहीं थर्टी थ्री एबी ए का डिडक्शन नहीं ले सकती साइंटिफिक रिसर्च में जो डोनेशन वाली डिडक्शन है वो नहीं ले सकती थर्टी फाइव एडी नहीं ले सकती थर्टी फाइव सीसीडी नहीं ले सकती एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स से नहीं ले सकती एक्सेप्ट दो दो ले सकती है

अब मान लो उसने कोई कंडीशन का वायलेशन कर दिया जैसे यहां से जो कंडीशन दे रखी है कंडीशन नंबर थ्री से लेके फाइव तक का वायलेशन कर दिया थ्री से फाइव तक का वायलेशन कर दिया प्लांट एंड मशीनरी सेकेंड हेंड ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा हो गई या उसने कोई ऐसी बिल्डिंग यूज कर दी जो होटल या कन्वेंशन सेंटर थी या उसका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहा तो उस पर्टिकुलर केस में वो कंपनी वन वन फाइव बेब से बाहर आ जाएगी और वो कंपनी चाहे तो वन वन फाइव बी डबल ए जो है ट्वेंटी टू परसेंट वाला है उसका बेनिफिट लेना चाहे तो वो कंपनी ले सकती है एक और चीज समझना अगर कोई कंपनी है वो ये सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहती है ना तो उसका जो पहला रिटर्न फाइल होगा फर्स्ट रिटर्न जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उस साल का पहला रिटर्न फाइल होता है तो पहला रिटर्न फाइल होगा ना उसमें ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा फॉर्म होता है फॉर्म नंबर टेन आईडी और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ द फर्स्ट रिटर्न ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा अगर आप एक बार वन वन फाइव बी ए लेते हो तो फिर उससे बाहर नहीं आ सकते आपको हमेशा वो लगेगा लेकिन आगे जाके मान लो कोई कंडीशन का वायलेशन कर दिया जैसे बिजनेस मैन्यूफेक्चरिंग वगैरह नहीं रहा तो फिर आप वन वन से बाहर आ जाओगे और नॉर्मल प्रोविजन लगेगा लेकिन मैंने बोला कि कंडीशन अगर थ्री फोर एंड फाइव का वायलेशन हुआ तो कंपनी चाहे तो वन वन से बाहर आके और वन वन बी डबल ए है वो कंटिन्यू कर सकती है यू गॉट माई पॉइंट ऑन नॉट यस चलिए उसके बाद में एक सेक्शन आई है 115 वन इस साल से इस सेक्शन में अमेंडमेंट हुए हैं और अमेंडमेंट आमूलचुक अमेंडमेंट है मीन बहुत ज्यादा अमेंडमेंट हो सकता है एग्जाम में आ जाए करके वन वन फाइव सी सेक्शन है देखो इंडिविजुअल मैंने आपको स्लैबरेट पढ़ाया थाउसेंड तक तो कोई टैक्स नहीं टू लैखी टू फाइव सीनियर सिटीजन के लिए थ्री लैख वाला था सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5, 000, वाला था लेकिन यह सेक्शन इसी साल से लाई है और यह अमेंडमेंट हुआ इस सेक्शन में और यह सेक्शन क्या बोलती है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ये सेक्शन नहीं लगेगी ये सेक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी पे नहीं लगेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के अगर कोई इंडिविजुअल है एच यू पे एओपी है बीओ आई है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है वो अगर चाहे तो अपनी इनकम पे टैक्स है वो इस स्लैब रेट से पे कर सकते हैं और यहां पर रेट क्या है अप टू थ्री लेख तक का इनकम है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा दैट इज बेसिक एक्साम्स थ्री लैख से सिक्स लैख के इनकम पे फाइव परसेंट सिक्स लैख टू नाइन लैख टेन परसेंट नाइन लैख टू ट्वेल्व फिफ्टीन परसेंट लैख टू फिफ्टीन लाख ट्वेंटी परसेंट एंड मोर देन लैख थर्टी परसेंट तो यहां पर इज नो टैक्स रेट थ्री टू फाइव थ्री लैख टू सिक्स परसेंट लैख टू नाइन लैख टेन परसेंट नाइन लैक टू ट्वेल्ल लैख्टीन परसेंट लैख टू फिफ्टी लाख ट्वेंटी और मोर देन फिफ्टीन लैख थर्टी परसेंट आप इसको ऐसे याद रखिए कि सबसे पहली चीज आपकी जो इनकम है ना उस इनकम में आप थ्री थ्री लैख एड करिए और टैक्स रेट में आप फाइव फाइव परसेंट एड करिए बट ध्यान रखना लास्ट वाला जंप है वो टेन परसेंट का है सो यहां फाइव परसेंट फाइव परसेंट फाइव परसेंट फाइव परसेंट और लास्ट वाला जो जंप है ट्वेंटी से थर्टी है वो सीधा टेन परसेंट का जंप है और यहां पर आपको थ्री थ्री लैख एड करना है सर एक बात बताओ

लेकिन सर व्हाट अबाउट द स्पेशल रेट्स का इनकम तो जो भी आपकी स्पेशल रेट्स की इनकम होगी ना वो स्पेशल रेट्स की इनकम पे आपका स्पेशल रेट से ही टैक्स लगेगा मीन एलटीसीजी टी वन वन टू ए टेन परसेंट एल टी सी जी वन वन टू ट्वेंटी परसेंट एस टी वन ए फिफ्टीन परसेंट विनिंग का इनकम थर्टी तो जो आपका स्पेशल रेट्स का इनकम है वो स्पेशल रेट से ही टैक्स लगेगा सर एक बात बताओ सरचार्ज क्या होगा एक बात बताओ जैसे मैंने आपको सेक्शन 115 बा एंड पढ़ाया उसमें तो सरचार्ज फिक्स था टेन परसेंट इनरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर सरचार्ज डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे मीस इफ योर इनकम टोटल इनकम इज मोर देन फिफ्टी अप टू वन करोड़ देन टेन परसेंट सरचार्ज मोर देन वन करोड़ अप टू करोड़ करोड़ीन परसेंट मोर देन टू करोड़ ट्वेंटी फाइव परसेंट एक बात बताओ मैंने आपको नॉर्मल में क्या बताया था इफ योर इनकम इज मोर देन फाइव करोड़ तो थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज लगता है बट बाबू यहां पे थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज नहीं लगेगा यहां अगर आप वन वन फाइव बी एस सी सेक्शन लेते हो तो थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल मीन इवन इफ योर इनकम इज मोर देन फाइव करोड देन ऑल्सो हाइएस्ट सरचार्ज है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट ही लगेगा तो देखिए मैंने क्या बोला यहां पर सरचार्ज कैसे लगेगा

अब आप बोलोगे कौन कौन सी चीजें छोड़नी पड़ेगी कौन कौन सी चीजों का बलिदान देना पड़ेगा अपन एक एक तो बट इस सेक्शन में जितना रिलेवेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहली चीज क्या क्या छोड़ना पड़ेगा तो मैं बता दू सैलरी हेड में आपको पता है, एक 16 होती है और सेक्शन सिक्सटीन में आपको तीन तरह के डिडक्शन मिलते हैं एक तो आपको पता है डिडक्शन मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस का और ये एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन है वो सिर्फ गवर्नमेंट को मिलता है तो ये एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा दूसरा प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है जितना प्रोफेशनल टैक्स पे करते हो उतना डिडक्शन मिलता है 16 में वो 16 में डिडक्शन नहीं ले सकते अगर आप वन बीएससी का बेनिफिट ले रहे हो तो लेकिन एक चीज ध्यान रखना एक सेक्शन 16 में आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी एम्प्लॉय को वो स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट आप ले सकते हो ये येडमेंट है वो आप 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हो भले आप 115 वन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो Miss, जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन इवन यू आर ऑप्टिंग 115 BAC, तो भी आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस तो यहां पे दो चीजें नहीं ले सकते एक तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं ले सकते और दूसरा आप प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं ले सकते चीज समझना आप लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जामेशन ले सकते हो अगर आप कहीं इंडिया में घूमने जाते हो एम्प्लॉयर आपको पैसा देता है तो उस पर जितना खर्चा करते हो अगर फ्लाइट से गए तो इकोनॉमिक क्लास का फेयर अगर रेल से गए तो फर्स्ट क्लास एसी का रेलवे फेयर आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा वो एग्जेम्शन मिलती है वो एग्जाम्पन आप नहीं ले सकते अगर वन वन ले रहे हो उसके बाद एचआरए की एग्जाम्शन है वो आप नहीं ले सकते

पर मंथ का थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड का एग्जामिशन ले सकता है वो ये कंटिन्यू आप ले सकते हो या फिर जो ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस आपका डेली अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस उसमें एक्जिशन मिलता है जितना एक्चुअल में खर्चा करते हो एक्चुअल में जितना स्पेंड करते हो उतने का आपको एग्जामिशन मिलता है वो एग्जामेशन आप ले सकते हो तो डी की जो एग्जामिशन है डीटीडीसी वाली एग्जामिशंस है वो आप ले सकते हो बाकी कोई भी अलाउंस की एग्जामिशन आप नहीं ले सकते तो देखिए मैंने आपको क्या बोला क्या क्या चीजें आपको सरेंडर करनी पड़ेगी तो सैलरी हेड की बात करूं तो एंटरटेनमेंट अलाउंस पे जो आपको डिडक्शन मिलता है वो नहीं ले सकते

अब एक और चीज समझना हाउस प्रॉपर्टी में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है ना वो सेल्फ प्रॉपर्टी में आपको पता है सेक्शन 24 बी में आपको 30,000 या 2 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है वो नहीं ले सकते अगर आप 115 वन ले रहे हो लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम टू बी लेटआउट प्रॉपर्टी में ले सकते हैं लेकिन एक चीज ध्यान रखना अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड में लेट आउट प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में कोई लॉस आ गया तो वो लॉस को किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते नॉर्मली क्या होता है हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है उसको दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं अप टू लैक बट अगर आप वन वॉन फाइव बी एस लेते हो तो बेटा हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस है वो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा उसको फिर आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट एट असेसमेंट ईयर उसके बाद में पीजीपीपी की अगर मैं बात करूं तो आपको टेन डबल एसीजेड वाला नहीं मिलेगा एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा थर्टी थ्री एबी एबीए नहीं मिलेगा साइंटिफिक रिसर्च में जो डोनेशन वाली डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगी थर्टी फाइव एडी नहीं मिलेगा थर्टी फाइव सीसी जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट वाला वो नहीं मिलेगा

अंडर चैप्टर के कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स नहीं ले सकते लेकिन बेटा यहां पे चार डिडक्शन ले सकते हो एक तो एटी डबल जे डबल न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट करते हो वो वाला थर्टी परसेंट वाला उसके बाद में एटीएलए ले सकते हो एटीएलए क्या होता है आईएफएससी में लोकेटेड अगर आपका यूनिट है अहमदाबाद गुजरात के पास गांधीनगर में तो टेन इयर्स तक टैक्स नहीं लगता वो ले सकते हो और एटीसी हो एटीसीडी टू क्या होता है बहुत बार एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय के लिए न्यू पेंशन स्कीम ट्रस्ट में पैसा डालता है जो न्यू पेंशन स्कीम होता है या जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम बोलते हैं उसमें जब एम्प्लॉयर पैसा डालता है तो एम्प्लॉय उसका डिडक्शन ले सकता है कितना जितना एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया या 10 परसेंट ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर बट यहां 10 परसेंट की जगह 14 परसेंट हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो वो ए सीसीडी टू का डिडक्शन है वो एम्प्लॉय ले सकता है एटीसीएच भी ले सकता है, क्या होता है? कि जो है. के केस में हमारी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है तो गवर्नमेंट ने जितना किया, उसका के का में ले सकता है तो वो डिडक्शन एम्प्लॉय ले सकता है यू गॉट माई पॉइंट अब एक और चीज समझना इन सेक्शन की वजह से अगर कोई पुराना तुम्हारा लॉस या है, वो हो जाएगा उसका फिर कोई भी कंसिडर नहीं करेंगे वो लैप्स हो जाएगा तो इन सेक्शन की वजह से अगर कोई पुराना तुम्हारा लॉस या अनऑब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन है वो आपको छोड़ना पड़ेगा लेकिन एक यहां पे अमेंडमेंट है जो आपको ध्यान देना है कि अगर मान लो 115 बीएससी आप पहली बार ले रहे हो इस साल में अगर आप पहली बार 115 बीएससी असेसमेंट ईयर 24 25 इसी साल में ले रहे हो और तुम्हारा पुराना आप, आपका आपका बिजनेस है पहली चीज और अगर आपका पुराना अनएब्सॉर्ब एप्रिशिएशन है और उस अनएब में अगर एडिशनल है तो एडिशनल डेप्रीशिएशन को इस साल आप सेट ऑफ तो नहीं कर सकते बट वो एडिशनल डेप्रीशिएशन जो पुराना वाला है और पहली बार इस सेक्शन को अगर आपने इसी साल लिया है तो वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का जो ओपनिंग डब्ल्यू डीवी रहेगा आपके ब्लॉक का उसमें एड करने को मिलेगा तो मैंने क्या बोला कि देखो पहली बार अगर आप ये सेक्शन है असेसमेंट ईयर 24-25 में ले रहे हो फर्स्ट टाइम एंड आपका बिजनेस है तो जो तुम्हारे में एडिशनल अनएब्सॉर्ब्रिशिएशन है वो सेटअप तो अभी नहीं कर सकते बट वो एडिशनल डेप्रिशिएशन को आपको वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का जो भी आपका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी रहेगा उसमें उस एडिशनल डेप्रिशिएशन को हम ऐड कर देंगे और ओपनिंग डब्ल्यूडीवी फिर ज्यादा बेनिफिट आपको ज्यादा डेप्रिशिए मिलेगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना यहां पे एक और अमेंडमेंट है और वो अमेंडमेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है लॉ मेकर्स ने बोला कि इस साल से 115 BAC है ना वो आपकी डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम है डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम मतलब अगर आपने कुछ भी नहीं बोला तो आपको 115 एस के हिसाब से टैक्स भरना है ये माना जाएगा आपने ऑप्ट की है इट इज अ डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम अगर आपको यह सेक्शन नहीं लेनी है तो उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा अगर आपको यह सेक्शन नहीं लेनी है तो फिर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा अदरवाइज डिफॉल्ट माना जाएगा यह सेक्शन आप ले रहे हो देखो लास्ट ईयर तक क्या था कि नॉर्मल टैक्सेशन रिजिम और अगर मान लो आपको यह सेक्शन लेनी है तो फॉर्म फिल करना पड़ेगा इस साल से इन्होंने चेंज कर दिया ये लोग बोलते हैं कि यह जो सेक्शन वन वन है ना यह डिफॉल्ट है अगर कुछ भी नहीं करोगे तो यह माना जाएगा आप यह सेक्शन ले रहे हो बट अगर आपको यह सेक्शन नहीं लेना तो फिर आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यूडेट से पहले पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा अब एक और चीज समझना अगर आप अब एक बात समझना हर साल आपके पास ये ऑप्शन है अगर आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है तो इफ यू डोंट हैव द बिजनेस इनकम सो एवरी ईयर यू हैव एन ऑप्शन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपको ये सेक्शन के साथ कंटिन्यू करना है या इससे ऑप्ट आउट करना है क्योंकि डिफॉल्ट तो यही है अगर इससे ऑप्ट आउट करना है तो आपको रिटर्न फाइलिंग के ड्यूडेट से पहले पहले फॉर्म भरना पड़ेगा हर साल चेंज कर सकते हैं आंसर इज यस कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब एक चीज समझना अगर आपकी बिजनेस की इनकम है समझने की कोशिश करना वेरी इंटरेस्टिंग अगर आपकी बिजनेस की इनकम है यू आर इनकमी पीजीबीपी इनकम तो आप इस सेक्शन से ऑप्ट आउट अगर करते हो आप बोलते हो हमको 115 बीएससी नहीं चाहिए नॉर्मली चाहिए तो अगर आपने 115 बीएससी नहीं लिया और आप नॉर्मल प्रोविजन के साथ गए आपने ऑप्ट आउट किया इस सेक्शन से नॉर्मल प्रोविजन के साथ गए तो हर साल फिर आपको नॉर्मल प्रोविजन के साथ ही जाना पड़ेगा लेकिन अगर किसी साल आपने वन वन फाइव बी ले लिया तो अगर आपने 115 वन एक बार ले लिया तो फिर आप वापस 115 वन से बाहर नहीं जा सकते जब तक कि आपका बिजनेस का इनकम है जब तक कि आपका बिजनेस का इनकम है आप वापस 115 वन से बाहर नहीं जा सकते हैं यू गॉट माई पॉइंट ऑन नॉट यस अब एक और चीज समझना यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है और यह एग्जाम में आ सकती है यहां पे एटी ए का रिबेट लाया गया एटी ए का रिबेट वहां पे मैंने नॉर्मल में क्या बोला था कि अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है तो आपको एटी का रिबेट मिलेगा टैक्स अमाउंट और 12,500 थाउजेंड विच एवर इज लोअर यहां पे इन्होंने बोला कि जब 115 वन लगता है और डिफॉल्ट इज 115 फाइव 115 एस नहीं लेना है तो आपको 115 वन से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा और फिर नॉर्मल में जाना पड़ेगा अगर आप 115 वन में हो तो बेटा एटी ए का रिबेट मिलेगा और यहां पे 5 लाख की जगह इन्होंने 7 लाख कर दिया है और रिबेट का अमाउंट है वो ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड की जगह ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कर दिया है तो अब एक बात समझना एटी का रिबेट कैसे मिलेगा इफ यू आर ऑप्टिंग रिबेट मिलेगा तो आजकल हम बोल रहे हैं कि 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि आपकी इनकम अगर अपटू के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करोगे तो टैक्स नहीं आता तो जो भी टैक्स आता है और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लोअर आएगा उतने का आपको रिबेट मिल जाएगा लेकिन एक चीज ध्यान रखना यहां पे इन्होंने मार्जिनल रिलीफ दिया है क्योंकि हो सकता है ना किसी एस का इनकम है वो सेवन लैख से थोड़ा बहुत ज्यादा है जैसे मान लो सेवन लैख और फिफ्टीन थाउजेंड है तो क्या ये रिबेट मिलेगा या नहीं आंसर इस मिलेगा यहां पे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है वो यहां पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि भैया अगर ,00 सेवन ज्यादा है थोड़ी बहुत ज्यादा है तो भी आपको रिबेट मिलेगा वो कैसे मिलेगा क्या मिलेगा आप यहां पे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इजी लैंग्वेज में मैंने यहां पे बताया है तो देखिए यहां मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलेगा इफ टोटल इनकम इज मोर देन सेवन लैख बट डज नॉट एक्सीड द सेवन लाख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सेवेंटी

जैसे मान लो एक एस है उसका इनकम सेवन लैक ही है तो तो कोई टैक्स आएगा ही नहीं क्योंकि 7 ,00 पे टैक्स टैक्स आता है 25 ,000, 25 ,000 का रिबेट मिल जाएगा कोई नहीं आएगा अगर कोई एस ऐसा है, जिसका ,00 है तो सेवन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड पे आप पहले टैक्स कैलकुलेट करो तो टैक्स आया ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड तो यहां क्या रिबेट मिलेगा रिबेट तो नहीं मिलेगा क्योंकि सेवन लैख ,00 से ज्यादा है बट बेटा मार्जिनल रिलीफ मिलेगा कैसे लैख ,00 का इनकम होता तो कोई टैक्स नहीं आता

तो आप एक काम करिए लोअर वाला कंटिन्यू करिए यहां ऑटोमेटिकली 700 का आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट इन सिंपल वर्ड मैं आपको बताऊं अगर आपका इनकम जो है वो सेवन तो, तो आपको सिर्फ वहां पे टेन ही टैक्स भरना पड़ेगा आप ऐसे ये चारों एग्जांपल करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा तो आपको क्या करने का अगर आपका इनकम लिटिल बिट मोर देन सेवन लैक है तो पहले उस पर टैक्स निकालो यहां पे आपको रिलीफ जो है एटी का तो नहीं मिलेगा बट मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लगेगा वो आप कैसे लगेगा कि अगर 7 लाख तक का इनकम होता तो टैक्स नहीं लगता बिल्कुल भी 7 लाख के ऊपर वाला कितना इनकम है वो एज इट इज निर्मला सीतारमन को दे दो विच एवर इज लोअर है वो कंटिन्यू कर दो तो यहां ऑटोमेटिकली मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लग जाएगा चलिए उसके बाद में एक सेक्शन है 115 BAD. 115 बीएडी बीएडी क्या बोलती है कि अगर कोई भी रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे टैक्स रेट क्या है टेन थाउजेंड तक टेन परसेंट टेन थाउजेंड टू ट्वेंटी था मोर देसेंट लेकिन अगर रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहे तो वन वन फाइव बी ए डी का बेनिफिट ले सकती है और टैक्स पे कर सकती है सिर्फ ट्वेंटी टू परसेंट की रेट से सिर्फ ट्वेंटी टू परसेंट की रेट से टैक्स पे कर सकती है ओनली ट्वेंटी टू परसेंट की रेट एक बात बताऊं बाकी इनकम पे भी 22% परसेंट और एक बात बताओ 22% परसेंट में प्लस आपको ऐड करना है 10% परसेंट सरचार्ज ऑलवेज हेल्थ एंड एजुकेशन फोर परसेंट ऑलवेज एक बात बताऊं दिस 115 वन सेक्शन इज एक्जैक्टली रेप्लिका ऑफ 115 बीडब्ल्यू डबल ए जो था वो डोमेस्टिक कंपनी के लिए था 22% टैक्स रेट ये बी है ये रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है अगर सोसाइटी चाहे तो यहां पे में 22% से टैक्स पे कर सकती है इंस्टेड ऑफ दैट थ्री स्लैब रेट मींस 10% 20% 30% उसको छोड़ के 22% से टैक्स पे कर सकती है बाकी जितने भी पॉइंट है वो सेम वन वन फाइव बी डबल पड़े थे वैसे के वैसे BAD में एक सेक्शन और डाली इसी साल से दैट इज वन वन

24 से पहले पहले सॉरी मैंने क्या बोला मैन्युफैक्चरिंग रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप एंड रजिस्टर्ड होनी चाहिए ऑन और आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 2023 और उसने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कमेंस कर लिया है टिल 31 मार्च 2024 तक और यहां पे टैक्स रेट है वो 15 परसेंट है मैं बताऊं बाकी जितनी भी चीजें हैं ना वो सेम वैसी की वैसी जो 115 बीएबी में पड़ी थी तो कुल मिला के मैंने क्या बोला था वन वन फाइव सेक्शन था वो से ऐसा ऐसा, कोऑपरेटिव सोसाइटी सब कंडीशन वैसी, वैसी है जैसा हमने पढ़ा था लेकिन यहां पर एक चीज समझना यहां पर एक चीज समझना कंडीशन पढ़ी थी ना सेम ऐसी, है ऐसी है, वो वाली कंडीशन यहां पर नहीं है जो होटल वाली कि अगर तुम्हारा वहां पे कंडीशन हुआ करती थी कंडीशन नंबर फोर करके और कंडीशन नंबर फोर अगर आपको याद रहे तो वो तुम्हारा था कि कोई होटल या कन्वेंशन सेंटर वाला ऐसे यहां पे यूज नहीं करना है बिल्डिंग वो कंडीशन यहां पे नहीं है इस वाले में कंडीशन नहीं है इस वन वन फाइव बी ए में बाकी जितनी भी कंडीशन है वो एज इट इज यहां पर भी लग जाएगी तो अब आप इसको रीड करोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा उसके बाद में नेक्स्ट कुछ और स्पेशल रेट्स की इनकम है कौन कौन सी जिसपे टैक्स रेट लगता है स्पेशल रेट से

सेक्शन 68 से 69 डी जैसे कैश क्रेडिट है या मान लो अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर आपने खर्चा किया उसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पा रहे हो तो उस पर टैक्स रेट है वो 60 परसेंट से लगता है सरचार्ज 25 परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन से 4 परसेंट मीन इफेक्टिव टैक्स रेट वो 78 की रहेगी अब एक और चीज समझना एक और सेक्शन वन वन ये बोलती है कि अगर मान लो आपने कोई पेटेंट इंडिया में डेवलप किया पेटेंट इंडिया में डेवलप करने का मतलब होता है कि पेटेंट अगर आपने पेटेंट पे जो डेवलपमेंट का खर्चा है उसमें 75 फाइव परसेंट एक्सपेंडिचर आपने इंडिया में इंकर किया है और आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है और फर्स्ट टाइम इन्वेंटर है एंड आप जो है वो अगर इंडिया के रेजिडेंट पर्सन है इंडिया के क्या है रेजिडेंट पर्सन है तो बेटा रॉयल्टी की इनकम पे आपको सिर्फ टेन की रेट से टैक्स पे करना है तो रॉयल्टी ऑन द पेटेंट इज टैक्सेबल ओनली एट द रेट टेन परसेंट टेन परसेंट की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा आपने सेवेंटी फाइव परसेंट और मोर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो आपने इंडिया में किया है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपने इंडिया में किया है फर्स्ट और ट्रू इन्वेंटर है वो आप है आप रेजिडेंट पर्सन है सिर्फ टेन की रेट से टैक्स पे करिए लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना अगर आप इस सेक्शन में एक बार ये सेक्शन को ले लेते हैं तो फिर बेटा अगले पांच साल तक आपको ये को लेना पड़ेगा बट अगले पांच साल में अगर किसी साल में आपने ये को नहीं लिया, तो जिस में नहीं लिया उसके अगले पांच साल तक वापस आप इस का नहीं ले सकते हैं उसके बाद एक होती है, BBG, वो ये बोलती है कि अगर आप कार्बन क्रेडिट पॉइंट को सेल करते हैं और कार्बन क्रेडिट पॉइंट को सेल करेंगे तो उस पर जो भी इनकम आएगी उस पर टेन परसेंट की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा उसके बाद एक नई सेक्शन आई है इसी साल से आई है इसके बारे में इन डिटेल डिस्कशन

कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता ग्रॉस इनकम है वो टैक्सेबल होती है कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स नहीं मिलता और इसके सामने कोई बेसिक एक्जिशन का बेनिफिट भी नहीं मिलता मीन जैसे विनिंग का इनकम है तो उस पर बेसिक एक्जामिशन का बेनिफिट नहीं ले सकते तीन तरह की ऐसी इनकम होती है जिसपे आप बेसिक एक्जामिशन का बेनिफिट ले सकते हैं दैट इज एक तो वन वन टू वाला एक एल

वो सोर्स से इनकम किसी और को डाइवर्ट हो जाती है और वो डाइवर्ट हो रही है लॉ की ऑब्लिगेशन से उसका लॉ का ऑब्लिगेशन है और लॉ की ऑब्लिगेशन से अगर मान लो डाइवर्ट हो रही है डाइवर्जन हो रही है और वो लॉ की ऑब्लिगेशन से हो रही है तो उस पर्टिकुलर केस में वो डाइवर्जन ऑफ इनकम है और जिस पर्सन को इनकम जा रही है वो ही उस पर टैक्स भरेगा एग्जाम्पल के लिए मैंने और शुभम केसवानी सर ने मान लो एक पार्टनरशिप फर्म बनाई मैंने और शुभम केसवानी सर ने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई हम दोनों प्रॉफिट शेयर करते थे अब मान लो हुआ क्या कि मैंने उस डीड में ऐसा लिखा है कि अगर मान लो मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी डेथ के बाद उस पार्टनरशिप फर्म से कोई भी प्रॉफिट आएगा वो ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट को जाएगा मेरी डेथ के बाद अब मान लो मेरी डेथ हो गई तो डेथ के बाद वो पार्टनरशिप हम जितना इनकम कमाएगी उसमें ट्वेंटी परसेंट है वो मेरी वाइफ को जाएगा बिकॉज ये लॉ का ऑब्लीकेशन है ये ऑब्लीकेशन क्रिएट किया हुआ है लॉ का ऑब्लिकेशन है कि जो सोर्स होगा ना उसका प्रॉफिट ट्वेंटी मेरी वाइफ को जाएगा तो वो ट्वेंटी प्रॉफिट पे टैक्स है वो मेरी वाइफ भरेगी बाकी वाले प्रॉफिट पे पार्टनरशिप फॉर्म भरेगी दैट इज कॉल योर डाइवर्जन ऑफ इनकम

जरूरी है बी ए डी भी पढ़ना बी ए e. भी पढ़ना ये जो स्पेशल रेट्स वाली जो इनकम है वो कैसे टैक्सेबल होगी क्या होगी एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही रिलेवेंट है तो होप सो यहाँ पे आपका ये लेक्चर एक घंटा और बीस मिनट में कंप्लीट हुआ और एक घंटे बीस मिनट में हमने बहुत अच्छे से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को साथ में लेके और ये रिवाइज़ कराया अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस रिविजन लेक्चर को एटलीस्ट आप दस बार सुने कैसे सुनना है कोई बात नहीं आप कुछ भी कर रहे हो जैसे आप घूमने जा रहे हो वॉक कर रहे हो कुछ भी काम कर रहे हो खाना खा रहे हो आप सामने लगा लीजिए इस बंदे को मैं जितना भी बोल रहा हूं मेरी मेरी आवाज़ जो है इतनी करकश नहीं है कि आप नहीं सुन सकते उसको दस बार आप सुन सकते हैं तो अच्छे से आप उसको सुनिए और जैसे जैसे आप सुनोगे ना तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट बैठते जाएंगे और एग्जाम तक आप इसको रिटेन कर पाओगे आपके हाथ में ये वाला एग्जाम मे वाला ठीक है ज़्यादा दिन बचे नहीं है और जो नवंबर वाले हैं वो भी सोच लो ज़्यादा दिन बचे नहीं है जस्ट गिव योर हंड्रेड परसेंट आपको अपना हंड्रेड परसेंट देना है देखो एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको ये जो आपके लाइफ के जो फोर फाइव इयर्स है जब आप पढ़ रहे हो ठीक है फोर फाइव ईयर्स मतलब अभी आप सी बनोगे उसके बाद में दो तीन साल जॉब के ये आपकी लाइफ के सबसे ज़्यादा जरूरी साल है ये जो चार साल है ना ये आपकी लाइफ डिसाइड करेंगे यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ आप क्या बनना चाहते हो मैं बताऊं में दूसरे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे क्या बोलते हैं किसी का कोई आपके सक्सेस में योगदान नहीं है ना ही आपके फेलियर में है जो भी होगा वो आप ही की वजह से होगा इसके लिए कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है यू आर ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर योर डीड तो उस पर्टिकुलर केस में मैं तो आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप यार देखो आपके लिए जो सही है ना वो आप करिए ये जो चार पांच महीने आपके एग्जाम के रहे है करके ठीक है इसमें आप हंड्रेड परसेंट कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ाई कर लीजिए यार और मे वालों के लिए तो इतने टाइम रहा ही नहीं बहुत कम टाइम रहा है जस्ट गिव योर हंड्रेड परसेंट आप पूरा मैं बताऊ ईमानदारी रखिए अपने साथ में कभी भी बेईमानी मत करे मत करिए आप अगर अपने साथ ईमानदारी रखोगे ना बिकॉज आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो खुद से झूठ नहीं बोल सकते खुद की आत्मा से आप झूठ नहीं बोल सकते सो गिव यर हंड्रेड परसेंट यार आपके लिए जो जरूरी है आज जो प्रोसेस है दुनिया में हर किसी को बहुत अच्छा बनना है सक्सेसफुल बनना है ये करना है वो करना है बट गाइस आप जो है ना ये करने के लिए एफर्ट लगते हैं मेहनत लगती है कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है बहुत सारी ऐसी चीज है जो करनी पड़ती है जो अच्छी नहीं लग रही है वो भी करनी पड़ती है पढ़ाई उसमें से एक है और वो तो करनी ही पड़ेगी करके ठीक है उसके बिना कुछ नहीं मिलने वाला तो यार कर लो फाइनल तक आ गए हो एक बार सीए बन जाओ उसके बाद डिग्री अपने घर वालों के मुंह पे मार लेना जो आपको करना है वो करना बट प्लीज एक बार सीए बन जाओ फटाफट थैंक्स अलॉट पीपल मिलेंगे अगले रिविजन लेक्चर में